Hello, my dear students. Today we will revise our second chapter, that is A Fairy with Horns. Students, this is a short story which shows the author's love for animals. In this video, we will discuss tick the correct options and question answers of this chapter. So first of all, we are taking tick the correct options. First is, the goat's legs were shaking because she was very weak. B option is correct. Goat ki legs jo hai wo shake kar rahi thi. Kyun? Kyunki wo bahut zyada weak thi. The goat continued to dash the author till he gave her a biscuit. Nudge is the correct option. The goat continued to nudge the author till he gave her a biscuit. What is the meaning of nudge? The meaning of nudge is a gentle push. जो goat थी वो author को push कर रही थी बार बार जब तक कि उसने उसे एक biscuit नहीं दिया था. Grandfather told grandmother that goat's milk was good for rheumatism. Students, grandmother was suffering from the problem of rheumatism. Rheumatism is a disease that makes the muscles and joints stiff and painful. Muscles and joints से related एक disease होती है ये rheumatism, जो कि grandmother को थी ये वाली problem. अब grandfather जो हैं वो grandmother को क्या कहते हैं कि rheumatism के लिए जो goat का milk होता है वो बहुत ही अच्छा होता है. वो grandmother को persuade कर रहे हैं ताकि वो goat को अपने घर में रख ले. Fourth is, the author calls the goat a fairy because she was light and delicate. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा light weighted है और बहुत ज़्यादा delicate, soft और beautiful है, इसलिए author जो है वो goat को एक fairy बोलता है, परी की तरह से जो है treat करता है. Fifth is, Tinker Bell's trips to the garden resulted in her learning to use her horns. Tinker Bell जो regular garden में जाया करती थी तो उसका रिजल्ट क्या रहा कि उसने अपने हॉर्न्स को यूज़ करना सीख लिया था कि कैसे वो अपने हॉर्न्स को यूज़ कर सकती है, कैसे वो दूसरों पर अटैक कर सकती है. सिक्स्थ इज, टिंकर बेल अटैक्ड द वुमेन बिकॉज शी बेंट डाउन टू टॉक टू द फ्लावर्स. यहाँ पे किस वुमेन की बात हो रही है? ये वो वुमेन की बात हो रही है जो कि एक डिस्टेंट रिलेटिव थी ऑथर की, जो उसके घर पर आई थी, ठीक है, और वो क्या क्या हैबिट थी उसकी, वो फ्लावर्स से बातें किया करती थी. तो टिंकर बेल ने उस पर अटैक किया जब वो फ्लावर से बात करने के लिए नीचे झुकी थी. सेवेंथ इज, टिंकर बेल वॉज फाइनली लुक्ड आफ्टर बाय द कुक्स रिलेटिव्स. टिंकर बेल जो है फाइनली कहाँ पहुँच गई थी? कुक के रिलेटिव के घर पहुँच गई थी. जब घर के फैमिली मेम्बर्स जो हैं जब परेशान हो गए थे टिंकर बेल से, वो सभी को जो है हिट किया करती थी, तो इसलिए उन्होंने कुक को क्या कहा था कि इसे सेल कर दो मार्केट में जाकर. लेकिन जो कुक था उसने क्या किया, उसे अपने रिलेटिव के घर पर ले गया ताकि वहाँ पर उसकी अच्छे से लुक आफ्टर जो है किया जा सके. एंड ही डिस्क्लोज्ड दिस सीक्रेट टू ऑथर. यस स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग फर्दर टुवर्ड्स अवर क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट इज, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द गोट. ऑथर ने गोट को कैसे डिस्क्राइब किया? द ऑथर डिस्क्राइब्स इट एज अ लिटिल गोट. एक छोटी सी गोट के रूप में उसने डिस्क्राइब किया इसे, विद जेट ब्लैक हेयर, जिसके कि जो हेयर हैं वो कैसे हैं, प्योरली डार्क ब्लैक हैं. विच वॉज एज सॉफ्ट एज वेलवेट, और वेलवेट की तरह से सॉफ्ट हैं. इट हैज़ प्रिटी ग्रे आइज, और इसकी जो आइज हैं वो कैसी हैं, बहुत ही सुंदर ग्रे आइज हैं. Now second question is, what did the author do when he understand that the goat could not cross the stream? Author ने जो है क्या किया जब उसने ये समझा कि goat जो है वो stream को cross नहीं कर पा रही थी, ठीक है, तो उसने क्या किया? The author carried the goat in his arms. Author ने goat को अपनी arms में उठा लिया. When he realized, जब उसे महसूस हुआ कि जो goat है वो cross नहीं कर पाएगी stream को, तो उसने अब उसे अपनी आर्म्स में उठा लिया ताकि वो स्ट्रीम को क्रॉस करा सके.
व्हाट वॉज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन शी फर्स्ट सॉ द गोट? ग्रैंड मदर का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने फर्स्ट टाइम गोट को देखा? ग्रैंड मदर वॉज एंग्री. ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा एंग्री थी बिकॉज शी हैज़ सो मैनी पैट्स इन हर हाउस टू लुक आफ्टर. नाउ अनदर वन इज हेयर, दैट्स वाई शी वॉज एंग्री. शी डिडंट वॉन्ट मोर एनिमल्स. वो और ज़्यादा एनिमल्स नहीं चाहती थी अपने घर में टू टेक स्पेशल केयर ऑफ, क्योंकि सभी एनिमल्स की अलग तरीके से स्पेशल केयर करनी पड़ती थी. एंड शी वॉज जस्ट फैड अप ऑफ ऑल दीज पेट एनिमल्स, दैट्स वाई शी वॉज एंग्री एट दैट टाइम. नाउ फोर्थ इज, वट वॉज द गोट नेम्ड एंड वाई? गोट का क्या नाम रखा गया और क्यों? द गोट वॉज नेम्ड टिंकर बेल. गोट का नाम रखा गया था टिंकर बेल आफ्टर द फेयरी फ्रॉम द स्टोरी अबाउट पीटर पेन. पीटर पेन की एक स्टोरी में फेयरी का नाम था टिंकर बेल और उस फेयरी के नाम पे उस गोट का नाम रखा गया. द गोट वॉज वेरी डेलिकेट लाइक अ फेयरी. और ये नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जो गोट थी वो देखने में बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट, बहुत ही ब्यूटिफुल थी एक फेयरी की तरह से. दैट्स वाई शी वॉज नेम्ड आफ्टर अ फेयरी. वाई डिड द गोट अटैक सम पीपल? गोट ने जो है क्यों अटैक किया कुछ लोगों पर? द गोट अटैक्ड सम पीपल व्हेन इट थॉट दैट दीज पीपल वांटेड द प्लांट्स. जब गोट ने ये महसूस किया कि ये लोग प्लांट्स को चाहते हैं, उन प्लांट्स को जो कि टिंकर बेल को बहुत पसंद थे, स्वीट पीज एंड जिरेनियम. ठीक है, ये प्लांट्स के नेम हैं और टिंकर बेल को बहुत पसंद थे ये प्लांट्स. ठीक है, उसने सोचा कि ये लोग उन प्लांट्स को लेना चाहते हैं. दैट्स वाई शी हिट दीज पीपल. हु वर द पीपल दैट द गोट बटेड? वो कौन कौन से लोग थे जिसे कि गोट ने हिट किया, बट किया? द गोट बटेड द गार्डनर, द पोस्टमैन, द कुक एंड अ लेडी विजिटर. तो ये सभी लोग थे जिन्हें कि गोट ने बट किया, जिन पर अटैक किया गोट ने. वेयर डिड द कुक टेक टिंकर बेल? कुक जो है टिंकर बेल को कहाँ लेकर गया? द कुक took टिंकर बेल टू द हाउस ऑफ his रिलेटिव. कुक जो है वो टिंकर बेल को अपने रिलेटिव के घर पर लेकर गया. सो स्टूडेंट्स, आई होप दीज क्वेश्चन आंसर्स आर क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू.